अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, जगह टोटो कैसे ठीक ठाक हो। मैं आजकल शुरू करता हूँ। अच्छा जी, मैं अपनी एक चीज़ सेल कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपनी गाड़ी सेल करना चाह रहा हूँ, किसी को चाहिए हो तो बताना। मैं अभी आपको अपनी गाड़ी का प्रॉपर व्यू वगैरह भी देता हूँ, सारा भी दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, गाड़ी मेरी अभी बहुत ज़्यादा गंदी है, ठीक है। अभी मैं इसको वॉश करता हूँ, ठीक है, खुद ही वॉश करके फिर मैं आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देता हूँ। ये देखें, बिल्कुल हर चीज़ इसका परफेक्ट, लाइटें शाइटें वगैरह। अच्छा जी, मैंने अपने भाई को लगा दिया है, मेरा भाई पानी मार रहा है गाड़ी पे, ठीक है, VIP चमका रहा है इसको। और ये जो चाचा जी है राणा साहब, ये कपड़ा मारेंगे, ठीक है। कपड़ा मेरा, लो जी, कपड़ा बड़ा गिल्ला हो गया। अच्छा जी, तो गाड़ी हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है, ठीक है। अब हम आपको इसका ट्रायल वगैरह सारा कुछ दिखाते हैं, देते हैं। इंटीरियर है पापा जी हमारी गाड़ी का, ये चेक करें इंटीरियर। ये वाला इंटीरियर कैसा है? ये गाड़ी का नहीं है। ये गाड़ी का नहीं। आजा मेरी ककड़ी, आजा मेरी ककड़ी। ये पापा जी चेक करें, फुल टाइम जेंगो मेंगो गाड़ी रखी हुई है। ये सब पंप पे, ठीक है, और घर में रोशनी नहीं थी तो रोशनी के लिए। तो ये गाड़ी है मेरी 2008 मॉडल है, ठीक है। इसको मैंने फेसलिफ्ट किया हुआ है 2013-14 मॉडल में, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, अच्छा जी, तो ये गाड़ी की बूट स्पेस है सारी, ठीक है। बूट स्पेस ना, ये क्या वो एक ही जाना पड़ जाता है ना, इसलिए रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ये बुफर वगैरह पड़ा हुआ, इसलिए आपको तो इसमें नजर नहीं आएगा। अच्छा जी, ये गाड़ी की बैक स्पेस है, ठीक है। बैक
सीट्स के लिए। और ये फ्रंट है, फ्रंट साइड खराब हो गया। ये गाड़ी का इंटीरियर है बिल्कुल अपनी जेन्युइन लुक में है इसका इंटीरियर। ये देखिए, ये चेक करें, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इंजन के बारे में कुछ बताएं अगर पता है तो। अच्छा जी, ये गाड़ी का इंजन है। ठीक है, ये है मर्सिडीज C180। ठीक है, कंप्रेसर। और ये 2008 मॉडल है, मैंने इसको 14 में कन्वर्ट किया है, 14 मॉडल में। ठीक है, इस गाड़ी के साथ मैं मार्चा मारना चाहता हूँ, इस किसी वीगो वगैरह के साथ पैसे ऊपर नीचे कर लेंगे। ठीक है, या फिर इसकी डिमांड ऑन कॉल है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, बाकी गाड़ी आपने देख ली है, फिट फाट है, चलने में भी कैसी चलने है? में फिट है। ठीक है, परफेक्ट गाड़ी है, चली भी कम हुई है। ठीक है, गाड़ी टोटल जेन्युइन है हर चीज़ से। मैंने फेसलिफ्ट की है, फेसलिफ्ट से बराबर इसके बम्पर बोनट वगैरह हर चीज़ इसमें 12 में कन्वर्टर, जेन्युइन 12 में कन्वर्टर है। ठीक है, अंदर से इसका मीटर भी मैंने चेंज किया हुआ है, जो मीटर होता है स्पीडोमीटर, वो भी मैंने 260 स्पीड वाला लगाया हुआ है उसमें, जो 12 मॉडल में आता है जेन्युइन में। अच्छा अच्छा, हम आप गाड़ी को मतलब इससे भी बड़ी गाड़ी में जाना चाह रहा हूँ। मेरे पास दूसरी करोला है 1.6, ठीक है, बट मैं इसको भी चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं वीगो वगैरह में जाना चाह रहा हूँ, मतलब ऊंची गाड़ी में जाना चाह रहा हूँ। वीगो हो जाए या फिर ओडी हो जाए, A4 11-12 मॉडल की। ठीक है, A4 भी चलेगी, ओडी A4 और वीगो भी चलेगा। वीगो भी 12-13-14 मॉडल वीगो भी चलेगा, 13-14 मॉडल का। ठीक है, अपग्रेड करना चाह रहा हूँ मैं गाड़ी। और ये गाड़ी आपके सामने है बाबूजी, बिल्कुल कैंचा मेरा पीस है गाड़ी का। ठीक है, जिसे कहते हैं ना फुल टाइम जेंगो मैंगो पीस है, चलने में बड़ी एवरेज इसकी बड़ी अच्छी है। ये मेरी अल्टी से ज्यादा अच्छी एवरेज देती है। लोग कहते हैं ना कि ये क्या नाम मर्क की एवरेज इतनी अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब गलत फहमी है उनकी। इसकी एवरेज मेरी अल्टी से ज्यादा अच्छी है, हालांकि अल्टी जो है 1.6 है, ये 1.8 है, 18 cc आता है ये C180। ठीक है, इसकी फ्यूल एवरेज बहुत लेवल फ्यूल एवरेज है। मैं लास्ट टाइम इस्लामाबाद से सफर करके आया उसमें, तो इसने मुझे एवरेज दी है तकरीबन 15 की, तो उसने मुझे एवरेज इजीली दी है मोटर वे पे। और ये सिटी में 12 की एवरेज आराम से निकालती है, 12-12.5 की एवरेज इजीली ये निकालती है हंस के, और एवरेज बड़ी कमाल है इसकी। नंबर पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डिमांड ऑन कॉल है। ठीक है, क्या बात है। फिर उसने तो 2 कही है ऑपरेटर, लेकिन ऑपरेटर से कुछ नहीं बनना, तो 1.5 लीटर पकड़ जी। तो मैं घर आ चुका हूँ। ठीक है, आपने मेरा व्लॉग जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। कमेंट्स में जरूर बताना आपका मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।